अम्मा जी प्रीति को डांट रही होती हैं कि तू नचनिया बनकर मेरी इज्जत बाजार तले उछा लेगी। लेकिन सूर्यकमल कहता है कि आप जाओ प्रीति जी, आराम करो जाकर, मैं समझा दूंगा। और इनका तो वही सेम डायलॉग है, पड़ गया पूरा। सूर्यकमल जी बैठे बैठे वही वाला गाना सुन रहे होते हैं जिसपे प्रीति ने डांस किया था। और उसी टाइम अम्मा जी दड़दड़ाते हुए चली आती हैं और चिल्लाती हैं कि मेरे होते हुए तू नचनिया बनकर डांस नहीं करेगी। और तभी सूर्यकमल कहते हैं कि नाचना तो एक कला है, 64 कलाओं में एक कला होती है नाचना। और कन्हैया जी भी तो रासलीला किया करते थे, और वैसे भी प्रीति जी ये सब सजनी के लिए ही तो कर रही हैं। और मैंने अपने पिताजी को कसम दी थी कि मैं सजनी का हर हाल में किसी भी कीमत पे ख्याल रखूंगा, इसलिए प्रीति जी डांस प्रतियोगिता में ज़रूर भाग लेंगी। और तभी सूर्यकमल बताता है कि अभी पुष्कर का फ़ोन आया था और हमको कल जो है दिल्ली जाना पड़ेगा ऑडिशन के लिए। तो फिर ये लोग आज आखिरी दिन डांस प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, जहाँ पर जो है अचानक से लाइट चली जाती है। और तभी सूर्यकमल जी एक यूनिक सा आइडिया देते हैं और दो तीन मोमबत्तियों से ही हाइलोजन वाली रोशनी कर देते हैं। और प्रीति को शायद मोतियाबिंद की बीमारी है, जो नाचते नाचते सूर्यकमल की जगह गोद में गिर जाती हैं। और फिर ये लोग अपने घर आते हैं और तजनी से लास्ट बारी मिलते हैं, और फिर डेली जाने के लिए अम्मा जी के सामने आते हैं। और जाने से पहले प्रीति पैर छूती है, तो आशीर्वाद देने के बजाय वो पैर पीछे खसका लेती हैं। और बाकी तो आपको कल ही पता चलेगा, हालांकि दिल्ली तो ये जाएंगे ही, चाहे अम्मा जी आशीर्वाद दें और चाहे ना दें, क्योंकि सूर्यकमल जी ने जो चीज़ बोल दी वो पत्थर की लकीर होती है।